Hello everyone, I am Nivesh Kasyap. So in this video I will discuss the topic that is climate change and its related issues, ठीक है, which is our essay topic number 10, ठीक है, ये हमारा 10th number का topic है. हमने 9 essay already complete किया है. अगर आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, playlist बना हुआ है important essay of 2023 करके, आपको मिल जाएगा, ठीक है. और ये इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का आपको ये दिख रहा होगा, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेन्स एग्जामिनेशन 2023, इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर ये सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक ग्रुप है. इस टेलीग्राम का मैं कुछ फीचर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री PDF, ठीक है. आपको इवैल्यूएशन करवाना है तो वो भी आप वहाँ पे PDF सेंड कर सकते हो, ठीक है, PDF के फॉर्म में ही सेंड करना, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अलावा जैसे ये 20 टॉपिक तो आपको PDF मिलेगा ही मिलेगा इसका, इसके अलावा भी आपको 20 से 25 PDF एक्स्ट्रा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ताकि ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. लास्ट में अगर मुझे मिलेगा टाइम तो मैं ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन अगर ग्रामर में स्पॉटिंग एरर से आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही आता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपका नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव सब कवर होता है, ठीक है, बेसिकली, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद जैसे कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है एंड प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया तो, ठीक है, तो ये मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, पहले ये 20 लेक्चर खत्म होने के बाद में ही, लेकिन पहले मेरा प्रायोरिटी जो है ये 20 को ख़त्म करना, और ये मैं आपको 10 तारीख से पहले यानी कि 10 अगस्त जो है 10 अगस्त से पहले आपको ये 20 लेक्चर कंप्लीटेड मिलेगा इसी चैनल पे, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से लिखना चाहिए आपको. तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे देखना लॉन्ग टर्म शिफ्ट है इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, विंड पैटर्न्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम. कहने का मतलब क्लाइमेट चेंज किसको बोलते हैं, जब टेम्परेचर में प्रेसिपिटेशन मतलब कहने की मानसून वगैरह बारिश होने का जो समय होता है, जैसे अभी मान के चलो जून जुलाई से स्टार्ट होता है, मिड जुलाई से, तो मान के चलो ये जून में शिफ्ट हो जाए, तो इस तरीके से चेंज किया जाता है ना, मतलब लॉन्ग टर्म में, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है. विंड पैटर्न में चेंज हो जाना, जैसे कि ट्रेड विंड चल रहा है, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज वगैरह का पैटर्न अगर जो चल रहा है वो चेंज हो जाए बहुत लंबे समय तक, जैसे कि लॉन्ग टर्म कहने का मतलब अराउंड 25-30 ईयर्स, ठीक है, एक दो साल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे 20-25-30 साल डेकेड्स की बात होती है, तब जाके क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज. इट पजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू बोथ नेचुरल इकोसिस्टम, इसकी वजह से नेचुरल इकोसिस्टम में भी काफ़ी चैलेंज फेस करने को दिखता है, एंड ह्यूमन सोसाइटी में चैलेंज होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको ब्रीफली आपको बताना होता है क्या क्या चैलेंज है, ठीक है, और क्या अर्जेंट एक्शन आपको नेसेसिटी लेना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. अब आते हैं कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है. अब क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है सोसाइटी के ऊपर या इकोसिस्टम के ऊपर या अर्थ के ऊपर, वो हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं कॉजेज, क्या क्या रीजन हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के. तो फर्स्ट रीजन कहता है फर्स्ट पॉइंट में, क्लाइमेट चेंज इज प्राइमरली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू होता है, जैसे कि ठीक है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करना हम लोग करते हैं, जैसे कि मान के चलो इंडस्ट्रीज है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है, बहुत रीजन हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे पॉइंट्स आएगा तो, ठीक है. डिफॉरेस्टेशन वगैरह है, जंगलों को काटना, ये सब मेजर रीजन है कॉज होने का क्लाइमेट चेंज का, और ये सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे इसको किया जा रहा है, तब जाके क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है. आपको पता होगा कि जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, GHG का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे कहा गया, तो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है. ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं. देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ, जैसे मान के लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, मान लो CO2 पता है एक, आप एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस है, एक CO2 है जैसे सपोज करो, तो जैसे मान लो सन से जब कोई भी रेडिएशन हमारे अर्थ तक आता है, जैसे कि जो हीट हमारे अर्थ तक पहुंचता है, तो अर्थ क्या करती है ना कि इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है ऊपर एटमोसफेयर में ही, ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को वापस. लेकिन जैसे जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो क्या करते हैं, इन हीट्स को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उसको एटमोसफेयर के ऊपर जाने ही नहीं देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसी टेम्परेचर के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, तो वही कहा गया है, तो इसको आप एक तरीके से लिख सकते हो अच्छे से समझ के, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंप्लीकेशन किस पे है, इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, वो देख लेते हैं.
राइजिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। ठीक है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न कहने का मतलब बारिश में जो चेंज होता है ना, जैसे किसी मंथ में मान चलो आपको पता होगा कि जून, मिड जून से या फिर जुलाई वगैरह से अगस्त तक जो है बारिश का मौसम होता है सितंबर तक, तो मान चलो उसमें अब जनवरी में कभी बारिश हो जाए, ठीक है, कभी फरवरी से स्टार्ट हो जाए, तो ये एक एक्चुअली नेचुरल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जब चेंज होता है ना छोटा मोटा, तो इसी इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज से ही होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये कहा गया, और ये इकोसिस्टम को बहुत बैडली अफेक्ट करता है, मतलब इसका बहुत बुरा असर होता है हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारे बायोडायवर्सिटी पे। ठीक है, तो यही कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इम्पैक्ट हैबिटेट्स। ये हमारे जो हैबिटेट्स हैं जैसे स्पेसीज वगैरह होते हैं, ठीक है, अलग अलग हैबिटेट्स हैं, उनको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, स्पेसीज को इम्पैक्ट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देता है। ठीक है, ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसका ये कॉज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स थ्रेटन मरीन इकोसिस्टम। आपको पता होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ में आप सुनते हो कि यहाँ का ग्लेशियर का टुकड़ा गिर के मेल्ट हो गया, ठीक है, तो सी लेवल में राइज हो रहा है, ठीक है, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपको ये चीज़ पता होगा, पोलर आइस कैप्स का वही तरह मेल्ट होना। ठीक है, तो ये जो मरीन इकोसिस्टम पे होता है ना बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, मान के चलो मरीन जैसे जो जैसे कि समुद्र में पानी बढ़ा तो उस बढ़ने से बहुत कुछ इम्पैक्ट, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, ओशनिक करेंट्स में चेंज होता है, तो इन सब से जो मरीन इकोसिस्टम होता है ना काफ़ी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सी लेवल में राइज होना, ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज पे हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, आपको पता होगा कि सबमर्जेंस का भी बहुत इशू रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो सबमर्जेंस का इशू जो है ये भी इंक्रीज होता है, इससे ना कि मरीन इकोसिस्टम बल्कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ह्यूमन सोसाइटीज पे इसका क्या इंप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब करता है, लीडिंग टू रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है। फूड इनसिक्योरिटी का इशू हो सकता है, जैसे कि बारिश का मौसम अगर आना है इस टाइम पे और आ रहा है आगे पीछे, तो उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उससे फूड इनसिक्योरिटी कंट्री में पैदा हो सकता है या पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे सूखा पड़ना कभी कभी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सब मेजर रीजन है, मेजर कंसर्न है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, लाइवलीहुड्स, फार्मिंग कम्युनिटीज वगैरह है। चेंजेस इन वेदर पैटर्न, ठीक है, अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, वाटर जैसे आपको पता होगा कि ग्राउंड वाटर का घटना, बारिश कम हो रही तो ग्राउंड वाटर का जो घट मतलब लेयर है नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ठीक है, लीडिंग टू वाटर स्कैर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो वाटर स्कैर्सिटी होगा, पानी में कमी होगा, लोग जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली वगैरह में अगर आप देखो, इन दिल्ली वगैरह यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया, इवन मतलब आप कितना भी नीचे मतलब गड्ढा कर लो आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और एक नीति आयोग का रिपोर्ट भी है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसमें कहा गया था, पहले का रिपोर्ट है 2018-19 का, 2020 तक जो है ना, जो बहुत सारे ऐसे सिटी मेजर सिटीज हैं इंडिया में, ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, चेन्नई वगैरह हो गया, यहाँ जो ग्राउंड वाटर होगा ना, ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये ना के बराबर बचेगा, ये बिल्कुल जैसा कि मान चलो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पानी का बहुत दिक्कत होता है दिल्ली वगैरह में, जो मेजर सिटी है चेन्नई वगैरह में पानी का बहुत ही ज़्यादा स्कैर्सिटी है, तो ये चीज़ आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से ही दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंज्यूम हम लोग रिसोर्स को बर्बाद करें वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से भी है। ठीक है, इंटरलिंक है चीज़ें। नेक्स्ट है ये राइजिंग सी लेवल बता दिया, जैसे कि इनडेंजर कोस्टल कम्युनिटीज़। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज में कम्युनिटीज़ रहनी उनको एक खतरा हो सकता है अगर सी लेवल बढ़ रहा है तो। ठीक है, फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है, जैसे वहाँ के लोग अगर सी लेवल सबमर्ज हो रहा है कोई आइलैंड वगैरह, जैसे मुंबई वगैरह आपको पता होगा कि वहाँ पे ऐसा थ्रेटन है कि मतलब आने वाले टाइम पे 50-100 साल में जो होगा मुंबई सबमर्ज हो जाएगा समुद्र के अंदर। ठीक है, तो मान के चलो अगर ऐसा सिचुएशन होता तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का सेटलमेंट्स है, वो उनको फोर्सफुली जो है माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरे जगह पे, तो एक बहुत बड़ा इशू मतलब है ये चीज़। ठीक है, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर्स आने के भी काफ़ी चांसेस, जैसे फ्लड आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, साइक्लोन का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा उस एरिया में, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब चैलेंजेस है। ठीक है, अब देखो क्या क्या ऐसा है कि किस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, कौन कौन से फैक्टर की वजह से जो होता है क्लाइमेट चेंज होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा था, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का एमिट होना ही मतलब एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स,
जैसे फॉसिल फ्यूल्स को बोलते हैं, जैसे कोल हो गया, ऑयल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह जो होता है इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसका जो बर्निंग है, इसका जो यूसेज है, आपको पता होगा कि जितने भी आज फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, व्हीकल्स हैं, ठीक है, ये सब इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करना है, आपको पता होगा कि इंडिया में जो 80% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो कोल के थ्रू होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोल से, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा मतलब इन्वायरमेंट को कितना गलत होगा आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, और ये सब करने से क्या होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, और CO2 आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है, उसकी वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, डिफॉरेस्टेशन एक मेजर रीजन है, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एक अलग रीजन है। जैसे कि आपको एक और चीज बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, वैसे भी नेक्स्ट पॉइंट में आ ही जाएगा, उसको वहीं पे बता दूंगा मैं। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जंगलों को काटना, पेड़ पौधों को काटना। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट होता है कहीं पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सड़क बन रहा है या फिर कहीं पे मान के चलो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, डैम्स बन रहे होते हैं, ठीक है, डैम्स, ठीक है, ये सब यूजफुल है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है, जिससे डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इसके बदले में जो लगाया जाता है उस पर उतना ध्यान दिया नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कटा है उस प्रोपोर्शन में जो है ग्रोथ नहीं हो पाता है नए पौधों का। ठीक है, तो एक मेजर कंसर्न रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डैम्स बनना, इस तरीके से, तो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, क्योंकि और रिजल्टिंग इन टू द, ठीक है, फाइनली क्लाइमेट चेंज, तो क्लियरिंग फॉरेस्ट रिड्यूसेस द अर्थ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब CO2। ठीक है, जब आपको पता हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, मतलब CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन इन रिटर्न वो वापस एटमोसफेयर में रिलीज करते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऐसा होता है, आपने पढ़ाई होगा ये चिप्स, ये सब चीज, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है एटमोसफेयर में वो बढ़ जाता है। रीजन इसका है क्योंकि जब CO2 इनटेक कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन है वो बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में, आपको पता होगा कि कहीं पे भी 33% फॉरेस्ट होना, 33% ऑफ एरिया, 33% ऑफ एरिया शुड बी, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल लैंड, ठीक है, या एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कंट्री का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33% जो है फॉरेस्ट होना चाहिए अगर एक हेल्दी इकोसिस्टम आप मेंटेन करना चाहते हो तो। लेकिन आपको पता है कि हमारे कंट्री में अभी जो है 24% जो है फॉरेस्ट एरिया कवर है। ठीक है, 24% ही है, तो अभी भी हम 10% के आसपास पीछे चल रहे हैं, और 2019 में तो ये 2019 में अगर मैं बात करूं, 2019 में तो ये और कम था, 23% के आसपास था। ठीक है, अभी तो रिसेंटली 2021 में सर्वे के अकॉर्डिंग जो है 24% हुआ है, उससे पहले 23% के अराउंड था, तो 1% इजाफा हुआ है, लेकिन जो हमारा टारगेट है 33% का वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, और ये दिनों दिन घटते ही जा रहा है कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो। ठीक है, तो वही कहा गया। अब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न है, जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इंडस्ट्री का ग्रो होना भी, जैसे इंडस्ट्री जब ग्रो होता है ना तो वहाँ पे आपको सेटलमेंट चाहिए होता है, आपको लैंड चाहिए होगा। ठीक है, और उस इंडस्ट्री से जो निकलने वाला एमिजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, तो ये एक मेजर रीजन है। अर्बनाइजेशन वगैरह भी है, जैसे शहरीकरण कहते हैं जिसको, ठीक है, ये बहुत रीजन है, क्योंकि इससे क्या होता है एनर्जी कंजप्शन बढ़ता है। ठीक है, जब अर्बन में जाओगे यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए, आपको हर एक सुविधा चाहिए, तो इससे एनर्जी कंजप्शन को पूरा करने के लिए ना आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इन और अदर वे आप डिग्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहा गया है। ठीक है, मेजर्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, अब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज को मतलब मिटिगेट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, तो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो आपको अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से ट्रांसफर होकर के रिन्यूएबल एनर्जी में आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आना पड़ेगा। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे कि विंड से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम बेसिकली गैस से, कोल से, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ हटके आपको हाइड्रो पावर जनरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको विंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना, जैसे कि सोलर हो गया, सच ए सोलर पावर,
विंड पावर, ठीक है, हाइड्रो पावर, ये सब से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, तो आप कहीं ना कहीं हम जो कोल का जो है इमिशन, जो कोल जलाने से जो इमिशन फैलता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है गैस, वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का आपने ऊपर पर, जैसे कोल, सीएनजी, गैस वगैरह जो होता है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, ठीक है। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी लाना जिससे जो है क्लीन एनर्जी हम बना सके। जैसे ये आपको पता होगा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। ये एक एफिशिएंट तरीका होता है ताकि आप जो है कम पोल्यूट करो इन्वायरमेंट को, ठीक है, बेहतर है। आप एक टर्म सुनते हो कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। इस सब में क्या गया कि आपको पता होगा कि इंडिया ने कहा कि 2070 तक जो है वो हम जो है कंट्री कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। G7 का समिट में, G7 का समिट हुआ था, उसमें इंडिया ने कहा था कि 2070 तक जो है हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, मतलब कि हम कार्बन एमिशन को बहुत मतलब रोक देंगे कम्प्लीटली, ठीक है, हम बिल्कुल एफिशिएंट एनर्जी की तरफ आगे जाएंगे। तो ये सब आप फैक्ट जो है कुछ आप ऐसे में डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। आपको जंगलों को बचाना है और पेड़ पौधा लगाना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स टू एनहेंस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ना कि लीगल पोजेशन, लीगल पोजेशन, ठीक है। लीगल पोजेशन का मतलब कि जैसे किसी चीज को गवर्नमेंट लीगल तरीके से उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है, उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि कार्बन कितना रिलीज किया जाएगा, ठीक है, किस इंडस्ट्री को कितना कार्बन रिलीज करना है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये एक अलग टर्म है, इसको देख घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री कराना है, जैसे कि आप फॉरेस्ट तो लगा रहे हो, मतलब फॉरेस्ट एक होता है कि गवर्नमेंट लेवल पर लगा रहा है, जैसे आप छोटे लेवल पर फॉरेस्ट लगा सकते हो, जैसे आम का पौधा लगा सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा जो आप उससे बिजनेस भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब फॉरेस्ट इन द काइंड ऑफ जो आपको बिजनेस पर्पज से भी फायदा दे, और आप जैसे कि अमरूद का पेड़ लगा सकते हो, केला लगा सकते हो, ठीक है, आम लगा सकते हो, तो इस तरीके से आप एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर सकते हो। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपको पता हुआ कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन इतना हो रहा है, हम इस तरीके से बर्बाद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन काफ़ी हो रहा है, तो उस चीज़ को एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता होगा एक चीज़ स्प्रिंकल सिस्टम वगैरह का यूज कर सकते हो आप, स्प्रिंकल सिस्टम वगैरह आप यूज कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, स्ट्रेंथन ग्लोबल कॉपरेशन एंड अग्रीमेंट सच एज पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। क्लाइमेट चेंज पजेस सब्सटेंशियल चैलेंजेस टू बोथ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटीज, ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को तो डिस्टर्ब करता है, साथ साथ ह्यूमन सोसाइटीज को भी डिस्टर्ब करता है। बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस द इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव मिटिगेशन मेजर्स वी कैन वर्क टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग द इन्वायरमेंट, इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग रिजिलियंट फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो तो काफ़ी छोटा रहा क्योंकि मैं जानबूझकर उसको छोटा किया हूँ, क्योंकि लेंथी वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं पूरा, ठीक है, तो वीडियो का लेंथ जो है मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने कोशिश किया कि डाल दूँ, ठीक है। तो जो फैक्ट्स ये सब मैंने बताया 24%, 23%, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये सब आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लो ताकि आप जो है जब लिखो ऐसे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और उसको इंक्लूड करो, ठीक है। और ये सब तो आपको मस्ट है, ये सब चीज़ तो करना ही है, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स, ये ऐसे नंबर हमारा साथ है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है, कास्टिज्म बढ़ जाता है, हिंदू मुस्लिम में राइट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उस बेसिस पे जो है आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे, और आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।